अगर संबुल की जगह पे कोई और कैंडिडेट होता तो वहाँ पे वो ज़बरदस्त विक्टिम कार्ड खेलता। सबको मालूम है 16 लोग एक ट्रॉफी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, तो कोई किसी को खींचेगा, कोई किसी को गिराएगा, कोई किसी को धक्का मारेगा और ट्रॉफी जीतने के लिए कुछ भी करेंगे वो। जब ये नैरेटिव फैलने लगा, बच्ची की इमेज खराब होने लगी, लोग उसके बारे में बातें करने लगे, तो मैंने रिक्वेस्ट की कलर से, बिग बॉस से, एंडेमॉल से, सलमान भाई से कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी को समझाना। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो डिसीजन था कि संबुल के बिहाफ पे मीडिया से बात करने का या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्लियर करने का, ये डिसीजन क्यों लिया आपने? दरअसल एक जो बिग बॉस को लेके लोगों के दिमाग में एक माइंड सेट है पहले से, तो सबके दिमाग में ये था कि एक 18 साल की बच्ची को मैंने क्यों भेज दिया उस जगह पे। बहुत से क्वेश्चन थे दिमाग में लोगों के, प्लस संबुल वहाँ पे जाके थोड़ा भी शांत है तो लोगों को ये लग रहा है कि एक बहुत बोलने वाली लड़की, नाचने कूदने वाली लड़की अचानक शांत कैसे हुई। तो इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए, चूँकि मैं स्टेज पर भी गया था, वहाँ भी मैंने उन सारी बातों को क्लियर किया था, और उन बातों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए मैंने आपसे बात करी। अपने आप को घर में बसाने में या दिखाने में, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग, वो क्या ऐसा कर सकती है कि चीजें सही हो जाएंगी? देखिए, इसका जवाब मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से आप दे पाएंगी, क्योंकि आप भी एक लड़की हो। अचानक आपको एक नई जगह पे 15 अनजान लोगों के बीच छोड़ दिया जाए, जिनके साथ आपको 24 घंटे रहना है, जहां आपको ना आपके पापा हैं ना आपके वो पुराने साथी हैं, तो आप वहां पे पहले दिन से आप रिएक्ट क्या करेंगी? बिल्कुल शांत हो जाएंगी, चुपचाप रहेंगी, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगी। जब 10-15 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद फिर जो नेचुरल है आपकी शख्सियत वो बाहर आएगी। तो संबुल अभी उसी प्रोसीडिंग से गुजर रही है, और मुझे खुशी है इस बात की कि अब धीरे धीरे वो अपने फॉर्म में आ रही है, अपने पंख खोल रही है। आप जो मीटिंग के बारे में गए थे, आप बेसिकली अपनी बेटी को समझाने गए थे कि उन्होंने शालिन टीना के अलावा भी लोगों के साथ रहे और कनेक्शन बनाए, और कैसे शालिन टीना कहीं ना कहीं उस तरह से दोस्ती नहीं निभा पा रहे जैसे निभानी चाहिए थी। स्टिल जो हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि वो अभी भी शालिन और टीना के दोस्त, इनफैक्ट वो क्लैरिफाई करने गई थी, इस बात को लेकर आपको थोड़ा दुख हुआ कि जो आप शायद कन्वे करने गए थे वैसा हो नहीं पाया, या फिर क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, यही चीज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उस दिन जब मैं शुक्रवार की वार में गया और जिस तरह से मैंने सारी चीज़ें बोली, अगर संबुल की जगह पे कोई और कैंडिडेट होता तो वहां पे वो ज़बरदस्त विक्टिम कार्ड खेलता, तोड़फोड़ मचाता, हल्ला करता, रोता, चीज़ें आग लगा देता, कुछ भी करता वो, क्योंकि इससे बड़ा उसको बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि पूरे देश की निगाह उसके ऊपर थी उस वक्त, और एक सिंपैथी थी उसके साथ, और अगर ऐसा वो करती ना कुछ तो बिग बॉस वो उसी दिन जीत जाती। लेकिन इसके बदले में होता क्या? इसके बदले में दो लोग नेशनल खलनायक बन जाते हैं, और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और अपनी तरबियत को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो किसी की लाइन मिटाकर कभी अपनी लाइन बढ़ाएगी नहीं। यही वजह थी जो उसने आम लड़कियों की तरह रिएक्ट नहीं किया। वो उन दोनों को लेकर बकायदा रूम में गई, वहाँ उसने उनसे पूछा, और सबसे पहले तो उसने माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ। सब लोग सन्न थे कि ये क्या हो रहा है, हम तो सोच कुछ और रहे थे, ये कर कुछ और रही थी, ये तो पापा की बात नहीं मान रही है। दरअसल वो पापा को ही फॉलो कर रही थी, कि पापा ने उसको यही सिखाया है कि किसी भी कोई भी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, बहुत काम तरीके से हैंडल करो, और उसने वही किया उस दिन। उसके बाद शाली ने इमीडिएट उसके सामने कहा कि मैं 8 साल के बच्चे से दूर हूँ, तुम अपने पापा से दूर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। और टीना ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने ये बात कही थी, पर इस अंदाज में नहीं कही थी जिस अंदाज में फैली है। दोनों बातें क्लियर कर दी। तो उस दिन मुझे गर्व हुआ अपनी बेटी पे कि अगर ये आज विक्टिम कार्ड खेल जाती तो इन दोनों की इमेज इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि शायद वो कभी सुधरती भी नहीं। तो मेरी बेटी ने
गेम से ज़्यादा, बिग बॉस से ज़्यादा जो उसकी तरबियत थी, जो उसका नेचर था, उस पर ध्यान दिया और उसको उसने भूला नहीं। और उसके लिए मैं अपनी बेटी का मतलब कहा जा रहा फैन बन गया। कितना कुछ होने के बावजूद भी उसने अपनी चीज़ नहीं छोड़ी, सोल नहीं छोड़ा। देखिए शालीन और टीना की बात ना करके हम सारे कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ लोगों की तारीफ भी की थी, कुछ लोगों को समझाया भी था। अब बेसिकली आप अर्चना को देख लो, अर्चना को मैंने बहुत तारीफ की थी कि उसने एक बहन की तरह उसको समझाया। और जब मेरे बोलने के बाद वो टीना और शालीन के पास गई तो अर्चना का पहला रिएक्शन क्या था कि जब वो अपने बाप की नहीं सुन रही तो हमारी क्या सुनेगी, बाहर में जाने दो उसको। तो अर्चना ने वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, अगर अर्चना के साथ ऐसा कुछ होता तो शायद वो यही रिएक्ट करती, क्योंकि एक आम लड़की यही रिएक्ट करती। लेकिन वो सुंबुल थी, सुंबुल बाकी लोगों से बहुत अलग है। और इसीलिए मैंने अर्चना की बात को बुरा नहीं माना, क्योंकि अर्चना प्योर सोल की लड़की है, जो दिल में है उसके वो मुंह पे है। तो वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उसने भी कुछ गलत नहीं कहा, उसको जो दिखा वो उसने कहा, पर अंदर जो हो रहा था वो पूरी दुनिया देख रही थी। और रही बात टीना और शालीन की कि उसके साथ क्या कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे हर बंदा गेम जीतने आया है, सबको मालूम है 16 लोग एक ट्रॉफी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, तो कोई किसी को खींचेगा, कोई किसी को गिराएगा, कोई किसी को धक्का मारेगा और ट्रॉफी जीतने के लिए कुछ भी करेंगे वो, कभी किसी के सर पे पैर रख के जाएगा। लेकिन सुंबुल को मैंने यही बोल के भेजा है कि बेटा तुम जैसी हो वैसी रहना, और किसी आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइन बड़ी करना, तुम अपने आप जीत के आओगी, ट्रॉफी मिले ना मिले दिल जीत के आना। और ये बात वो मान के चल रही है, और जिस तरह से वो अभी रिएक्ट कर रही है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, मुझे मालूम है कि आने वाले समय में एक नई सुंबुल आपको देखने मिलेगी। तो आपको भी कैसा लगता है कि ये जो पूरा मैस हो गया, जो शायद उतना नहीं होता है, इसकी वजह टीना का वो स्टेटमेंट था। और वो स्टेटमेंट के अलावा तो टीना ने बार बार कहीं कहा था कि आज उसने शालीन से बात कर ली तो कितनी अच्छे से है वो, सो डू यू ऑल्सो थिंक टीना की वजह से ही सब कुछ मैस हुआ? नहीं देखिए, जो आप लव एंगल की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत शब्द है। शालीन ने भी इस बात को क्लियर किया है और सुंबुल के सामने क्लियर किया है, और नेशनल टीवी भी दुनिया ने देखा है। वो उस पर अपना बच्चा खोज रहा था, वो अपने उसमें अपना बाप खोज रही थी, और दोनों एक साथ जुड़ के चल रहे हैं। चूँकि अब टीना किसी भी चीज़ को बाकी लोगों के सामने किस तरह से एक्सप्रेस कर रही है, ये तो उसका नज़रिया है। देखिए क्या होता है कि हर आदमी की अपने एक तरीका है जीतने का, लड़ने का, चलने का, बोलने का, तो वो अपने तरीके से काम कर रही है, तो मैं उसको भी गलत नहीं कहता। वो जीतने के लिए आई है, वो जीतने के लिए गेम खेल रही है, और सुंबुल भी अपने तरीके से गेम खेल रही है, वो समझ रही है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। कुछ दिन बाद आपको दिखेगा इन सारी चीजों का परिणाम कि क्या होने वाला है। पहली बात गलतफहमी दिमाग से निकाल दूं सबके मैं, कि कलर से मुझे बुलाया, कलर से ने कभी नहीं मुझे बुलाया। बल्कि जब ये नैरेटिव फैलने लगा, बच्ची की इमेज ख़राब होने लगी, लोग उसके बारे में बातें करने लगे, तो मैंने रिक्वेस्ट की कलर से, बिग बॉस से, एंडे मॉल से, सलमान भाई से, कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी को समझाना। वो चाहते तो टेलीफोन पर मेरी बात करा सकते थे, और टेलीफोन पर मैं उसको समझाता, वो समझ जाती। लेकिन कलर्स ने और बिग बॉस ने क्या कहा कि हम फेयर गेम खेलेंगे, हम आपको सामने लगे खड़ा करेंगे, आप सामने बात करिए। अब रही बात टीना के पापा की, तो देखिए बेटियां सबकी प्यारी होती हैं और बेटियां साझी होती हैं, उनकी बेटी मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी भी उनकी बेटी जैसी है। तो वहाँ मैंने टीना की इमेज ख़राब करने के लिए, अपनी बेटी को उठाने के लिए उसकी इमेज नहीं ख़राब की। आप टीना के पापा, आप खुद चाहें तो पहले दिन से लेके उस दिन तक के एपिसोड देखें, जिस तरह से टीना ने उसके बारे में बात की है, और आप आज तक में मेरे को बता दें कि मेरी बेटी ने आज तक किसी की भी पीठ पीछे कोई बुराई की हो, कोई बिचिंग की हो, कोई चुगली की हो, या कोई भी ऐसी हरकत की हो, तो बताइए। मैंने सिर्फ जो सच था वो सामने लाया हूँ, और मेरे को किसी को हर्ट करने की या किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जो हो रहा था मैंने वो दिखाया। आप अपनी जगह पर सही हैं और मैं अपनी जगह पर सही हूँ। Okay, sir. So, thank you so much, sir.
इंटरव्यू के लिए। सुम्बुल के जो फैंस है अपक, वो अभी भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो भले अभी उतना नहीं दिख रही हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ घर में भी जो है कुछ लोग सुम्बुल मिंगल भी होना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रही आप जाइए और शालिन के साथ बैठेंगे, जो नया प्रोमो आया बेसिकली, तो सुम्बुल के फैंस के लिए जो घर में भी अब कहीं ना कहीं उनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो रही है सुम्बुल के लिए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मैं सुम्बुल की फैंस की बात करूँ तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, और उसके जैसे फैंस मैंने अभी तक किसी के देखे नहीं हैं। वो फैंस नहीं, आर्मी है पूरी, और वो फर्स्ट डे से उसके साथ लगे हुए हैं। यहाँ तक ये सारा इंसिडेंट हुआ उस दौरान सब ने मुझे मैसेज किए, और अमूमन आप तो पहले मैं तौकीर हसन खान था, आजकल पापा तौकीर हो गया हूँ, कि पापा आप टेंशन मत लो, पापा हम हैं आपके साथ, हम बात कर रहे हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब ऐसे मैंने फैंस कभी नहीं देखे जो फैमिली के साथ अटैच हो गए हों, एक फैमिली बन गए हों। और रही बात आगे की, तो मुझे मालूम है कि सुम्बुल अपने फैंस को कभी निराश नहीं करेगी, और आज जो थोड़े से हेटर्स हैं उनको मैं हेटर्स नहीं कहूँगा, वो सुम्बुल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना तो नाराज़ होने का हक भी आपको बनता है। आप नाराज़ हुए क्योंकि उसने आम लड़की की तरह रिएक्ट नहीं किया, और वो आम लड़की की तरह कभी रिएक्ट करेगी भी नहीं। वो बहुत प्योर सोल की लड़की है, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी, और शायद वो बिग बॉस का जो इतिहास है 15 साल का उसको बदल के आएगी, कि केवल चीखने चिल्लाने वाला, गालियां देने वाला, सामान तोड़ने वाला, हाइप लेने वाला नहीं जीतेगा। इस बार प्योर सोल की लड़की बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खेलेगी, पूरी मैच्योरिटी के साथ खेलेगी और जीत के आएगी। थैंक यू।